आवाज आई, पहले हमारे प्रश्नों
प्रणाली की और जमीन पानी किनारे पर कहते हुए मुझे तो करते थे देर हुई। महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा, अर्जुन गए, उन्होंने भीम को आगे पड़े हुए देखा, प्यासी भी थी, वो भी पानी पीने के लिए चेष्टा की, उन्होंने आवाज आई पानी मत पियो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देकर के पानी पियो, वो भी पानी नहीं, अपने गांधी पर जोर था बड़े भगवान थे, इसलिए उपेक्षा करके वो पानी पीने गए तो करते दिन पड़े। इसके बाद में नकुल जी आए, सहदेव आए, सभी मूर्छित होकर के अंत में खोजते खालते महाराज युधिष्ठिर भी पहुंचे, पहुंचे के देखा कि हमारे चारों भाई पड़े हुए हैं मूर्छित होकर के। उन्होंने सोचा कि पहले उपाय करेंगे, पहले पानी पी लें, जब ही पानी पीना चाहते आवाज भी हमारे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो तुम्हारी दशा भी खाई होगी। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, आइए और प्रश्न कीजिए, मैं पहले आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब उस जक्ष ने प्रश्न किए कि मास्टर क्या है, कश्या बोधते कारपंथा और का वार्ता, अर्थात पहले क्या की मास्टर आश्चर्य क्या है। लोग रोज जन्म लेते हैं और उसी करोड़ों में मरते हैं, आश्चर्य कि हम समझते कि हम नहीं बैठे, और की आश्चर्य क्या की आश्चर्य जब से ने पूछा सूर्य को कौन उदित कराता है, मैंने ब्रह्म उदित कराता है, पृथ्वी से भारी क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है, इनके से भी अधिक संख्या में क्या है। जो युधिष्ठिर ने कहा पृथ्वी से भारी माता है और पिता आकाश से ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलता है, चिंता बिल्कुल से भी अधिक संख्या में, चिंता कितनी चिंता है इसकी कोई पारंपरा नहीं। जब लोक में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है और उत्तम समाज क्या है, लोक में श्रेष्ठ धर्म दया है, इस जगत में दया करना सबसे श्रेष्ठ धर्म है, और सुख दुख प्राण आदि जीवन मरण आदि द्वंद्वों का सामना ही क्षमा है। मनुष्य का दूजे शत्रु कौन है जिसको आदमी जीत नहीं सकता, और अनंत प्यारे क्या है, साधु कौन है असाधु कौन है, मनुष्य का क्रोध ही तू कह सकता, इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और लोग अत्यंत अनंत प्यारी ऋषियों का लोग ये अनंत प्यारे, समस्त प्राणियों का हित करने वाला ही साधु, साधु कौन है, समस्त प्राणियों का भला और अधिकारी कृषि असाधु है। जगत में कौन है सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, मार्ग क्या है, वार्ता क्या, जिस पर कोई ऋण न हो, जो प्रदेश में नहीं है, किसी प्रकार का साथ पत्ता खाकर जीवन निर्वाह है, वही सुखी है, रोज रोज प्राणी के बरात के लोक में जाते हैं,
परंतु जो बचे हुए सर्वदा जितना की शिक्षा कर सकते मैं नहीं करूंगा, इसे बढ़कर क्या हत्या तर्क युक्ति नहीं है, युक्तियां भिन्न भिन्न है और कोई एक ऐसा नहीं नहीं जिसका मत तथा धर्म तत्व अत्यंत विभू है। इसलिए महाप्रभु मां पुरुष मार्ग पर चलते हैं वही मार्ग है, महान भाव ये लोग जिस मार्ग पर चलते हैं वो कौन है, ब्रह्मा है, स्वयंभू है, नारद है, कपित है, मनु है, नारद है, ये सब इस माया को कड़ा में काल समस्त प्राणियों को मां और ऋतु कलसी के द्वारा पका रहा है और सूर्य अग्नि दिन रात ईंधन पका रहे हैं, यही बात है। अच्छा तुमने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया ठीक थी, इसे एक भाई तुम्हारे चार भाई हैं पढ़े हुए से एक भाई को जवाब कहो मैं उन्होंने कहा कि नकुल को जीवित कर दो, तो जम्बोला जट जिसको आप 10,000 हाथी के समान बन गए उस भीम को और द्वितीय वरुण का अर्जुन को छोड़कर दुनिया नकुल को जीवित कराने की क्यों कार्य हो, तो मैं धर्म को त्याग नहीं कर सकूं। मेरा ऐसा विचार है कि सबके प्रति भाव समान भाव रखना, मेरे पिता कुंती और माधवी दो पत्नी ये दोनों ही पुत्रवती बनी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं कुंती का पुत्र मैं और माधवी का बड़ा पुत्र नकुल ये जीवित है। जब अवशिष्ट भक्तों हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और सचमुच में धर्मराज इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित है, सभी भाई जीवित हो गए। जब साको नहीं धर्मराज श्री नारायण थे वे अपने पुत्र युधिष्ठिर की धर्म की परीक्षा के लिए
Devil Vincent found a very nice pond there, and he went to drink when a voice came, "Hey, answer my questions or I will finish you." But Vincent ignored and tried to drink the water, and he fell dead. Wondering why Vincent was so late, Yudhisthira Maharaj sent Arjuna. Arjuna also came with his Gandiva bow. When he saw his brother dead, he fell into lamentation. But he was so thirsty, he went to drink, and the voice came to him, "First answer my questions, then drink, otherwise you will meet the same fate as your brother." Nakul, Sahadev also followed, they met the same fate. Then last, Yudhisthira Maharaj himself came, and the voice said, "Hey, answer my questions, otherwise you will meet the same fate as your brothers." Therefore, Dhammarat asked, "Yad Yudhisthira Maharaj said, who are you? Please come here, and I will answer your questions." Therefore, that Yaksha asked many questions. "Kimascha, what is the most astonishing thing? Kavata, what is the news of this world? Who causes the sun to rise?" Yudhisthira Maharaj said, "Brahmaji, he causes the sun to rise." "Who is heavier than the earth?" "Mala." "Who is higher than the sky?" "Father." "Of all qualities, which is the best quality to possess?" "Kshama, forgiveness." "Of all religion, what is the best religious principle?" Yudhisthira Maharaj said, "Vairagya, renunciation." "Which is the most powerful thing? The most numerous thing?" Yudhisthira Maharaj said, "Chitta, thoughts." "Who is a sadhu and who is a non-sadhu?" So Yudhisthira Maharaj said, "A sadhu is that who works for the benefit of everyone. And a sadhu is that person who cannot control his senses." "Who is happy?" "That person who has no debt to anyone, who does not live in a foreign land, and who maintains themselves with whatever food is available nearby, that person is happy." "What is the news of this world?" Maharaj said, "The jivas are like vegetables in a pot being cooked by time and getting the results of their karma, happiness and distress. This is the news of this world." "And what is the path?" Yudhisthira Maharaj said, "The actual truth is very difficult to understand. It is hidden in the cave-like hearts of the sadhus. Because munis differentiate between themselves with many variegated ideas, therefore the real path towards perfection can only be understood by a few Mahajans, Swayambhu, Narad, Shambhu, Kovaran, Kapala, Manu, Prahlad, Janaka, Bhishma, Kali, Vasanika, Vayam. Therefore there is only one path, that is the path enunciated by the previous authorities." That Yaksha was very happy. "I am very pleased with your answers. Therefore you may choose one brother to come back to life." Yudhisthira Maharaj said, "I will choose Nakul." That Yaksha was astonished. "That war with the Kurus will soon take place. Bhima has the strength of 10,000 elephants. And Arjuna is the most famous warrior. Why you cannot take one of them?" Yudhisthira Maharaj said, "I cannot leave religious principles. My father had two wives, Kunti and Madhuri. I am the eldest son of Kunti, therefore I have to take the eldest son of my co-mother because I have to see them equally." Then Yaksha was very impressed and said, "Take all your brothers." Then he revealed himself as known as Dhammaraj, Yamaraj himself. वहाँ थे जयद्रथ, उनका भानोई लगता था दुर्योधन की वहीं से उसकी शादी हुई थी। वो द्रौपदी पर आसक्त था। वो एक दिन शिव का दिन को विमला सुंद में आया। आप लोग विमल सुंद में गए होंगे और देखा ये द्रौपदी पानी लेकर के जा रही है स्नान करके। दूसरा
वनवासी पांडवों के साथ में क्यों कर रहे हो? तुम हमारे साथ में आओ, तुम राज रानी हो सकते हो। बहुत प्रलोभन किया था हम दान कर सकते हैं, वो तो पति प्रधान आ रही थी, वो नहीं मानी। अंत में जबरदस्ती को पकड़ करके रख करके गया और भांग करके लेकर के चला। अब ये पांडवों का नाम लेकर अर्जुन भीम की लाने लगी और उनके कानों में शब्द पड़ा, वो भी भरत लेकर के चले। भीम ने देखा कि हमारा रथ उतना के लिए नहीं चल रहा, तो वो रथ को छोड़ करके ऐसे ही दौड़े और अर्जुन ने अग्नि बाण मार करके ऐसा किया कि जरत के सामने चारों तरफ आग लगा दी। अब वो आगे बढ़ नहीं सका, फिर दोनों ने पकड़ लिया और पकड़ करके सारी को मार डाल रहे थे। पत्नी ने कहा कि हम अग्नि मत मारो, जिसके चरणों में अपराध किया वहां ले सको, महाराज उपदेशित के पास ले सको। वहां पर ले गए, भीम ने कहा कि इस आतताई को मार डालना है और अर्जुन ने कहा कि जरूर किसको मार डालना है। किसी ने कहा कि शांत करो, जिसके चरण में अपराध किया है उसे पूछो, द्रौपदी से पूछो क्या इच्छा है। द्रौपदी ने कहा कि यह तुम लोगों का बंधुई रखता है, यदि तुम लोग इसे मार डालोगे तो तुम्हारी भरण निर्माण हो जाएगी, सारा जीवन का जीवन होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वाली क्षमा, इसे छोड़ दो। किंतु वो लोग बोले भीम और अर्जुन ने नहीं आपका ही नहीं सुनो पा रहे। उस समय में कृष्ण ने कहा देखो, मानव व्यक्ति का अपमान कर देने से ही उसकी मृत्यु होती है, तुम लोग का बात नहीं है और द्रौपदी ने क्षमा कर दिया है तो इसको अपमान करके छोड़। तो अर्जुन ने उसका मुंडन करके पांच चोटी रखी और ये मुझ कमा दिया और मुसलमानों ने सरकार किया छोड़ दिए। वो बड़ा सच को तो आपसे क्या किया, मैं 500 पांडवों को हंस करते रहा, लौट गया तपस्या छोड़ दी है। शंकर जी ने कहा कि मर मानो, उसे मर माना कि हम 500 पांडवों को मार सकते। ये कभी है जिसकी कृष्ण रक्षा करता है कोई नहीं मार सकता। तब हाँ, एक ही अर्जुन को छोड़ करके बाकी जो चार पांडव हैं उनको तुम हरा सकते हो। इसीलिए अभी मनु के पद के समय में, चक्रव्यूह के समय में वो आगे खड़ा था, चार पांडवों को हरा दिया और अर्जुन दूसरी जगह में चले गए और सब लोगों ने मिल करके उसको मारा। अर्जुन जब सुना कि मनु मारा गया, उन्होंने कहा कि आज प्रतिज्ञा किया कि तब उसको शाम के पहले ही जरूर चार सौ कर। इसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो गया, अब तो जो हो गया हो गया। दूसरे थोड़ा सा चार नगर से उसे घेर करके बीच में रखा कि अर्जुन वहां तक पहुंच न सके। वो लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद में कृष्ण ने जानबूझ करके उसको अपने चक्र से छिपा दिया। मानो शाम हो गई और जब शाम हो गई तो अर्जुन ने कहा ये अब तो होगा, तो मरने में करने के लिए चीता लगाए, चीता भी तैयार हो गई। तो कृष्ण ने कहा कि ये लोग अपना अस्त्र लेकर के मरते हैं साथ में, उन्होंने गांधी को अपना ले लिया। और इतने में दुर्योधन बोला ने अब तो मर रहा है, चलो लौटते समय देख लो। जैसे सामने आया और सूर्य से चक्र हटा दिया, दिन उठ गया और कहा क्या देखते हैं मारो,
प्रसाद जी ने स्पष्ट कर दिया और उसे मारा, किंतु उससे भागा। मारने से कि वो उसका सिर झुक जाएगा और वो मारने से जीवित टूटेगा, इसलिए ऐसा हो तो उसके पिता भी यदि उसके सिर को जलांजलि दे 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 छोड़ दे तब हो सकता अन्यथा। तो संध्या के समय में सिर को पानी दे रहा था और सिर काट करके उसके अंडे ही में दिया और वो दे रहे थे वहां से छूट गया दिखा कितना पानी क्या है और ये तो हमारे बेटे ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं। एक दूसरा प्रश्न है, पांडव लोग संवाद के समय वहां थे, दुर्योधन ने दुर्भाषा ऋषि को प्रसन्न किया, 60,000 ऋषियों के साथ में हम यहाँ पर जिस प्रकार से आपका आपको भोजन कर रहा है उसी प्रकार से आप जाए जब द्रौपदी भोजन कर ले दोपहर के बाद में आते हैं ठीक है उसको ऐसी कैसा नहीं कर। इधर द्रौपदी ने सब पतियों को भोजन करा दिया, जितने अतिथि है सबको भोजन करा दिया और अंत में अपना भोजन करके थाली को पटलोई को मांग करके पर इतने में दुर्भाषा 60,000 ऋषियों के सहित में आए, बोले हमको भूख लगी है भोजन कराओ। काफी त्यागी है युधिष्ठिर ने परामर्श करके कहा आप स्नान करके विमल कुंड में आइए आपको भोजन तैयार। वो चले गए, इसने में द्रौपदी से पांडवों ने कहा तुम्हारी बात कृष्ण सुनते हैं, जल्दी बुलाओ रक्षा करो नहीं तो आज तुम सभी मरे हो, अभी संपाद देना। द्रौपदी ने कृष्ण का स्मरण किया और इस स्मरण करने के साथ ही साथ में कृष्ण वापस बताया, कृष्ण कहा सखी मुझे बड़ी भूख लगी है खिलाओ आपको, इसीलिए तो हम चलता है और आप भोजन से पेश कर रहे हैं, कुछ नहीं है खा पी करके बढ़िया उदाहरण दिया है पूज्य का पर है, खा पी करके द्रौपदी सबको खिला पिला करके बटो ही मार करके उदाहरण करते रखते ही इसके बाद में उस हड़िया से कुछ नहीं आएगा। तो मैंने तो उसे ठीक करके साफ करके उसको उड़ाट करके रख दिया, हमारे पास में कुछ नहीं तो भी कुछ ले आओ तो है नहीं सुधर दुर्भाषा जी से मारे ना आपसे किसने कहा से पटोल चलाओ, तो ले आया देखा उसने उठा कर एक चीज का साथ का लगा हुआ था, कृष्ण ने अंग से उसको बड़ी मुश्किल से पानी लाओ पानी के ठीक तो उसकी ठीक हो कितना करने के साथ में जस्टिन उससे दुर्गाचार्य जी 60,000 ऋषियों का पेट टूट गया और बेकार करने लगे और भी को उसने कहा तुम जाओ बुलाओ भी बदला लेकर के चला, उसको देखते ही खाली तो जगह पेट में पेट भरा हुआ बेकार में इसे ऋषियों ने कहा जैसे हमको याद है तुम माता वाली बात इसे सभी भागो जन भाग करके वहां से चौधरे गरुड़ो इत्यादि में चले गए। इस तरह से यहाँ पर था और भी एक प्रसंग है, दुर्योधन ने देखा विमल सूर्य के पास ही में ये रूप है, सब जितने भी है कर्ण से लेकर के और सब जितने सब दुशासन इत्यादि सेनाओं को लेकर के यहाँ आकर के उत्सव करने लग गया, कंपनी अपवाद किया गया डेकोरेशन करके और उत्सव मनाने लग गया। इंद्र को पता चला, इंद्र ने अपने
सेनापति को चित्रसेन को भेजा, जाओ दुर्योधन को पकड़ करके लिया। चित्रसेन आया और दुर्योधन की समस्त सेनाओं को हराकर और दुर्योधन को पकड़ करके ले चला स्वर्ग में। और वो उसे लाने लगा दुर्योधन। और ये सुनकर के महाराज युधिष्ठिर बोले, तो सुयोधन ठीक गति से उसकी रक्षा करो, मैं नहीं जाता। जो काम हमारा विरोधी कर रहा था और उसको इंद्र अपने सेनापति के को भेज करके उसको बांध करके ले जा रहा है, अच्छी बात। उन्होंने अर्जुन को पुकार बोला, अर्जुन ये नहीं सुनता, तुम जाओ हम लोगों में परस्पर लड़ाई झगड़ा होगा, किंतु दूसरों के लिए 105 हम लोग हैं, ले जाओ उसकी रक्षा करते हैं। ये गए और उसे परास्त करके आकाश में ही और से ही वही से मनाया दुर्योधन को वहां से उतार। सीढ़ी आई कहा जहां पर धर्मराज बैठे थे, वहां पर जब आया तो महाराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि सुयोधन तुमको बड़ा कष्ट, अब तुम अपने घर कृष्ण। और उसको यह अपमान हुआ, युधिष्ठिर हमारा अपमान नहीं किया, अब इस अपमान का हम बदला ले। दुष्ट लोग ऐसे ही होते हैं, भलाई करने पर भी वो बुराई ही से, किंतु कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं उसको क्या करें। अंत में मारे गए किया, ये सब युवा। और बाकी विमलपुर में आप लोग गए, जसोदापुर में आप नहीं था, जसोदा जी का घर वहां था, पिता जी का घर वहां पर। जब कृष्ण बचपन में अपने मैया के साथ अपने मामा के घर पे वहां पर बहुत सी लीलाएं थी। वहीं पर श्रीमान रामेश्वर महादेव है, श्रीमान रामेश्वर है, यहाँ पर क्रीड़ा करते समय गोपियों ने कहा राम ने तो पुल बांध दिया, अब पुल पाते जो नहीं काम दिखलाओ, नटबंधुओं को हुक्म दिया और सब बंदर ने नटबंधर में पत्थर को लेकर के पुल बांध दिया। और वहीं पर वो श्रीमान रामेश्वर नारद को लिख दिया, 84 कुंड है, 84 कुंभ है, वृंदा देवी है, श्री गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन, आप लोग गोपीनाथ के नाम भी कहते हैं। धर्मकुंड गए, धर्मकुंड के लिए गए, वहां की कथा सुनी, विमलकुंड में जाकर के वहां की कथा सुनी। फिर कौन महादेव, रामेश्वर महादेव में गए, वहां की कथाएं सुनी, चरण पहाड़ी ऊपर में और चरण चिन्ह देखा, वहां की कथा सुनी होगी नहीं, बताया गया है चरण पहाड़ी का। चरण पहाड़ी कृष्ण को चार करते समय भेड़ बजाई और भेड़ बजाने से उस पर्वत पर कृष्ण के चरण चिन्ह उठाए और गाय के चरण चिन्ह, सखाओं के चरण चिन्ह। हम लोग गुरु जी के साथ में जब गए थे आज से करीब करीब 40-50 वर्ष पहले, उस समय उसी पहाड़ी के ऊपर में गायों के बछड़ों के चरणों के चिन्ह, सखाओं के चरणों के चिन्ह थे। और वो सब लोग लेकर के घर घर में चले गए। अब सब नहीं है कि जो चरण पहाड़ी वो पासी में युगुनुगी कुंड, कृष्णा युगानुगी करते, पासी में प्रमोदानंद सरस्वती का स्थान है भजन का, बहुत दिनों तक वहां पर कांड पर मैना करके उन्होंने भजन किया है। इस तरह से आप लोग कहां से होते हुए कदम्ब खंडी के पास से होकर सुनाली कदम्ब खंडी सुनोरा गांव
उठाता श्री पंसो इत्यादि होते हुए आप लोग आए हैं और बाकी सब गौर प्रणाम है। कथा सुनने के बाद भी घर आती होगी आप लोग जा सकते विश्राम। हम्यवान जय जयधन नारायण गोवर्धन ऑफ दुर्योधन सिस्टर दुर्योधन देयर फॉर द लास्ट द्रौपदी द पांडवस हैज स्पेंट 12 इयर्स इन एक्साइल देयर फॉर सम टाइम दे वर रेसिडिंग इन हम्यवान द्रौपदी हैड गॉन टू टेक बाथ देयर फॉर जयधन अप्रोच्ड हर. Oh, why is maybe your husband that useless? You should come with me and I'll make you queen. He gave many arguments, but he could not convince Draupadi because she was a Patibrata, very chaste and ideal lady. Therefore, Jayadratha took her by force on his chariot, and as she was being carried away, she called out for her husband's. Being sent, was following on the chariot, but not being satisfied with the speed of the chariot, he jumped off and began running. Arjuna threw his arrows and made a wall of fire, blocking the chariot of Jayadratha. They both caught Jayadratha and gave him a good beating. They took him to the feet of Yudhisthira. Both Bhimsena and Arjuna wanted to kill him, but Yudhisthira said no. He had made offense to Draupadi, therefore he should ask Draupadi what should be his punishment. Draupadi said, listen, because he married the sister of your cousin, then he is your brother-in-law. Do you want that your own cousin's sister will be a widow and spend the rest of her life in such a situation? Therefore, you see what I said, for someone who has been honored, dishonor is worse than death. Therefore they shaved him, leaving only 5 sikkas. And they shaved off his mustache to make him look like Osama bin Laden. Therefore he became very much insulted. He tried to please Mahadev. When Mahadev came, he said, give me the benediction, I can finish all the Pandavas. But Mahadev said, that is impossible, because they are protected directly by Krishna himself. But I give the benediction for one day only. If Arjuna is not present, you can defeat all the 4 Pandavas. Other than Arjuna, if Arjuna is not present, you can defeat those 4 Pandavas. Therefore, that is how Abhimanyu was killed in the Chakravyuha, because Arjuna was not there. Therefore, when Arjuna learned his son was dead, he became very angry and took a vow. By the sunset of the next day, I will kill Jayadratha or I will enter fire. Therefore, Krishna said, why do you make such a vow? Therefore, the next day, Jayadratha was put in the middle of the army. The whole day, Arjuna was fighting, but he could not approach. Therefore, Krishna, he covered his son with his Sudarshan Chakra, and Arjuna was accepted defeat. They made one funeral pyre. Arjuna went to enter the fire. Krishna said, wait, if you are a real hero, you should take your weapons with you as you enter the fire. Therefore, he went, as Arjuna was going to the fire, Krishna said, oh Jayadratha, you should come a little forward, then you can watch the show. So you want to hold him. You come a little closer, then you can get front row seat. Then, as Arjuna was there, about to enter the fire, Krishna took away his Sudarshan Chakra, and Krishna said, there he is, finish him. And Arjuna took off his head. Jayadratha had a benediction. He had like one benediction. Only if his father throws away his head, then he can die. Otherwise, he will be alive.
And that person causes the head to fall on the ground, that person's head will be cut. Then Arjuna cut off the head and sent the mantra arrow to his father, who was offering oblations in the water. When that head came on his hands, oh, it's very heavy, and he threw it. Oh my God, that's my son's head. And he also died like that. So many nice pastimes there. Duryodhan had pleased Dubasa Rishi. There we asked benediction. Oh, Dubasa, you could have 60,000. I'm sorry. With your 60,000 disciples, you go there and take lunch with the pandas. Therefore, Dropi had a special magic pot given by the sun god. You go after lunch. Therefore, Dropi had one special pot. After she would serve her husband, no matter how many guests she would serve, and after she had eaten and washed the pot, then that pot would not give any more nutrition for the rest of the day. So, that time after Dropi had fed the guests, she cleansed the pot and put it upside down. That time Dubasa Rishi with his 60,000 disciples came. That time he said, well, Yudhisthira Maharaj, feed me. Yudhisthira Maharaj said, Maharaj, you go and take bath. After bath, you come back from the shower. Then Dropi became very worried. She remembered Krishna and prayed, oh, Krishna, save me. So Krishna came there. Oh, Dropi, I'm very hungry. Dropi said, you are also hungry. This is the whole problem. Krishna said, there must be something. Therefore, Krishna looked in the pot and very with difficulty, he took one piece of spinach and put it on his and ate it and asked for one glass of water and said, drink those three. Yasmin Tushi Dabatusti. Krishna is satisfied, everything is satisfied. Therefore, meanwhile, Dubasa and his disciples were taking bath and their stomachs became completely full. Even they started belching. Then Krishna said to Vincent, you go there and bring them. So Vincent with his father was calling, Maharaj, come from the shop. Then Dubasa became afraid. It's Armageddon. Armageddon out of here. The disciples remembered, oh, before that problem happened with the disciples, therefore they ran. Some went to Swami, everybody ran away from there. So at last, the Kurus had come there to Kandivan and had performed a big festival there to give extra torture to the Pandavas. There they had Pandavas, tents, dancing girls, everything there. Then they were making such a loud festival to give some suffering to the Pandavas. Then Indra could not tolerate, because Indra is the father of Arjuna. Then he sent his commander-in-chief, Chitrasen. Chitrasen and his army came from Swarga to defeat the Gurus and bound Duryodhan like a beast and were taking him in the sky. That time Duryodhan was crying. Yudhisthira Maharaj, seeing his cousin brother, he called Bhimsen. Oh Bhimsen, you should save Duryodhan. And Bhimsen said, forget it. It is very good that Chitrasen is accomplishing what we wanted without any effort on our behalf. Why we should save him? Then Arjuna asked Arjuna. Arjuna defeated the army of Indra and made a staircase of arrows that Duryodhana would come down right at the feet of Yudhisthira Maharaj. Yudhisthira had said to Bhimsen, we are 100 and they are 5. But when some outside person comes, then we are 105. Also there is Bhimakund, Yasodakund, which is Yasoda's house, the father's house. Sometimes Mother Yasoda would take Krishna there. There is Set Bandhu, and Set Bandhu's Rameshwar is there. One time the gopis asked, Krishna, you always say you are Ram. Give us some proof. Therefore Krishna